नहीं ये सलार का बोल रहे हैं, बोलना ही बोलेगा ना, आप तो नहीं बोल रहे ना, आप ही उधर है, लेकिन सलार का तो बोलते बोलते क्या आप बिल्डर कैसा आता जी, बिल्डर बना था आप बोले थे ना बिल्डर बाबू बिल्डर अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो है ये लाड़दार में अबुल हसनात कॉम्प्लेक्स जहाँ कंस्ट्रक्ट हो रहा है वहाँ हम लोगों ने मलगियाँ ख़रीदी हैं और हमें मलगियाँ ख़रीद कर 8-10 साल हो गए। 8-10 साल होने के बावजूद हमें जो प्रॉमिस किया गया था कि हमको जो है ना पार्किंग दी जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन इतना अरसा होने के बावजूद भी अब तक न इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई है और न ही पार्किंग दी गई है। उसके बरक्स जो सेलर में पार्किंग जो हमें दी गई देने बताई गई थी वहाँ पर जो है अब इस वक्त में मलियाँ बनाई जा रही हैं और मलियाँ बनाकर उनको सेल किया जा रहा है। इस सिलसिले में हमने जो है ना कोर्ट में भी अपील की थी और कोर्ट से इसको काम को रुकवाने के लिए स्टेटस को का आर्डर हमें भी मिला था। और आज से सिर्फ 6 दिन पहले हमने जो है ना मीडिया पर भी इस बात को रखा था और उसको हमने समझाया था कि जो है ये जो सेलर में जो पार्किंग है इस अब ये लाल बाजार का एरिया, चार मीनार का एरिया, यहाँ पे पार्किंग की बहुत किल्लत है और गवर्नमेंट खुद अपने करोड़ों रुपये खर्च करके यहाँ पे पार्किंग और रोड वगैरह का काम करना चाह रही है, लेकिन जहाँ पार्किंग प्रोवाइड की गई है उस पार्किंग में जो है मलियाँ बनाकर बेचे जा रहे हैं। हमने इस सिलसिले में काफ़ी कोशिश की और 6 दिन के अंदर स्टे आर्डर और जो कुछ पुलिस वगैरह में कंप्लेंट करने के बावजूद हर तरफ जो भी जितने भी अथॉरिटी इस सिलसिले में कंसर्न हैं उनसे अप्रोच करने के बावजूद भी अभी भी रात दिन वहाँ पे काम चालू है। अभी कल हम जो है ये सिटी प्लानिंग कौन सा सिटी टाउन प्लानिंग टाउन प्लानिंग या सो सुमिता मैडम से हम मुलाकात किए थे। वो आज सुबह में आई हूँ यहाँ पर, आकर उन्होंने सब देखा और उनके सामने काम चल रहा था, उन्होंने जो है लेबर को वहाँ से हटा दिया और उन्होंने कहा कि इसका अगर परमिशन है जो सेलर में मलगियाँ बनाने का अगर तुम्हारे पास परमिशन है तो तुम लाके हमको बताओ। और वो जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं निज़ाम साबिर साहब, निज़ाम कंस्ट्रक्शंस, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं परमिशन लाकर बताता हूँ तुम्हारे को, लेकिन उनके पास कोई परमिशन है नहीं। और ये जो मलगियाँ अगर यहाँ पर हमको जो नीचे जो पार्किंग अगर न मिले तो जितने भी लोग जो रहते हैं उनके लिए पार्किंग की कोई गुंजाइश नहीं है, रोड पर पार्किंग कर नहीं सकते, ये सब हमारे मसाइल हैं। कोर्ट से भी हमने कोई कोशिश की है, पुलिस में हमने सब इत्तला दी है। अब ये मैडम ने कहा है कि 2 दिन के अंदर अगर साबिर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अगर हमको लाके परमिशन और इसका नहीं बताएंगे तो पीर के दिन आकर जो है हम डिमोलिश करेंगे। अब वो इसके बाद क्या एक्शन लेते हैं ये अभी 1-2 दिन में हमको मालूम हो जाएगा।